पेड़ काटो, पर्यावरण बचाओ। फूड के प्रोडक्ट्स यूज करोगे, आप इन्वायरमेंट को सेव कर रहे हो। ये क्या अजीब सी बात कर रहा हूँ मैं? अभी तक तो हमने सुना है कि पेड़ बचाओ, पर्यावरण बचाओ, पर ये क्या चीज़ आ गई, पेड़ काटो, पर्यावरण बचाओ? ये बात जानने के लिए हमको थोड़ा सा इतिहास में जाना पड़ेगा। जब ये नारा आया, पेड़ बचाओ, पर्यावरण बचाओ, जैसे कोरोना काल में ऑक्सीजन के लिए लोग तड़प रहे थे, जब लोग ऑक्सीजन के लिए तड़प सकते हैं तो क्या हम पेड़ों को बचाने के लिए नहीं तड़प सकते? क्या जब जान जाएगी तभी हम पेड़ बचाएंगे? उससे पहले हमारा कोई रोल नहीं है। जैसे हमारी गौरा देवी ने जंगलों को बहुत काटा गया, बहुत सारे वुड्स के प्रोडक्ट बना के जंगल खाली कर दिए, ये नारा वहां से आया, पेड़ बचाओ, पर्यावरण बचाओ, जंगल ना काटो, पर्यावरण बचाओ, ये नारा वहाँ का है। पर हमारे भारत अब चीज़ें चेंज हो गई। सुप्रीम कोर्ट में जो वुड बेस्ड इंडस्ट्री थी जो कि असम की थी, वहाँ पे पेड़ कटिंग पे बैन लगा दिया। उसका बहुत बड़ा कारण था कि ये जो वुड इंडस्ट्री थी, ये जो पेड़ ले रही थी वो फॉरेस्ट से ले रही थी, तो वुड इंडस्ट्री को अपना सर्वाइवल करना, तो वो पूरी की पूरी इंडस्ट्री शिफ्ट होगी यमुनानगर हरियाणा में। वहाँ क्यों, वहाँ पे ऐसा क्या था कि वहीं पे चली, क्या वहाँ पेड़ नहीं कटेंगे? वहाँ पे सिस्टम थोड़ा अलग था। वहाँ पे बलारपुरी की इंडस्ट्री थी, पेपर इंडस्ट्री थी, वो क्या कर रही थी, वहाँ पे किसानों को प्लांटेशन करा रही थी। वो किसानों कह रही थी जैसे आप अपने खेतों में गेहूं उगा रहे हो, चावल उगा रहे हो, तो आप ये भी उगाओ, पेड़ उगाओ। तो किसान बोल रहा है कि मैं क्यों उगाऊँ, मैं अपनी ज़मीन पे पेड़ क्यों उगाऊँ, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। वो जगह लेगा, मैं उससे ऊपर इनकम होगी तो उगाऊँगा। तो पेपर इंडस्ट्री ने बोला कि तुम पेड़ उगाओ, उगाने के पैसे हम देंगे, वो पेड़ को हम खरीदेंगे, आपको पैसे देंगे। तो किसान इस बात से तैयार हुआ, ठीक है, अगर हम पेड़ों की खेती करेंगे, मैं अपने ज़मीन के पेड़ उगाएंगे और आप उसका प्राइस ज़्यादा दूंगे, जो अन्य फसल है उससे ज़्यादा दूंगे, तो हम पेड़ उगाएंगे। तो वहाँ पे खूब प्लांटेशन, बलारपुर इंडस्ट्री ने, वहाँ के किसानों ने बहुत पेड़ उगाए और बलारपुर जो कि पेपर इंडस्ट्री ने खूब पेड़ खरीदे, वहाँ के इससे इकोनॉमिक ग्रोथ हुई। पेड़ खेती का एक कल्चर बना जिससे वहाँ के किसानों को काफ़ी अच्छी इनकम हुई। पेड़ों की खेती में इनपुट्स भी काफ़ी कम चाहिए, लेबर कम चाहिए, उससे उनकी प्रगति हुई। तो इस मॉडल को जिसमें हम किसानों को बोलते हैं कि आप अपने खेतों में पेड़ उगाइए, इसको एग्रो फॉरेस्ट्री बोलते हैं, यानी कि आप अपने एग्रीकल्चर के साथ कुछ फॉरेस्ट्री के प्रोडक्ट्स या पेड़ आप उगाइए। तो इससे क्या है कि आपका एग्रीकल्चर प्रोडक्ट तो बन ही रहा है, एग्रीकल्चर के तो अन्य क्रॉप तो आप ले ही रहे हो, साथ ही साथ आप पेड़ उगा के भी एक्स्ट्रा इनकम कर रहे हो। अब हम देख सकते हैं कि सैटेलाइट इमेजेस पे कि ये यमुनानगर का एरिया प्लांटेशन सैटेलाइट से कैसा लग रहा है, और ये आप दूसरा एरिया देख रहे हैं अन्य भाग भारत का बिना पेड़ों का कैसा लग रहा है। अब इसमें हमारा कोई इंसेंटिव नहीं दिया गया, बाजार में आप बहुत सारे तरीके से देख रहे हैं कि पेड़ लगाने के लिए इमोशनल अपीलें करी जा रही हैं कि आप पेड़ लगाओ, अपने माँ बाप के नाम का पेड़ लगाओ, बच्चों के नाम का पेड़ लगाओ, पर कितने पेड़ लग रहे हैं? एक मॉडल ये है जिसमें आप इमोशनल अपील कर रहे हो लोगों से, एक है आपने इकोनॉमिक बेनिफिट दिखा दिया, आपको इकोनॉमिक्स उससे जोड़ दी,
तो अब देखिए उसका इम्पैक्ट क्या है। प्लांटेशन एग्रोफॉरेस्ट्री एक ह्यूज सक्सेस है। अब वहाँ पे कोई किसी को बोल नहीं रहा कि आप पेड़ लगाओ, लेकिन लोग अपने आप ही लगाए जा रहे हैं बिकॉज प्रॉफिट आ रहा है। अब इससे इसका जो इम्पैक्ट है पर्यावरण पे बहुत बहुत अच्छा इम्पैक्ट है। कोई भी एग्रोफॉरेस्ट्री से फॉरेस्ट कटने बंद हो गए, फॉरेस्ट करने बंद, उन पे जो पेपर इंडस्ट्री वुड बेग इंडस्ट्री का जितना भी उनको रिक्वायरमेंट था वो आप ट्री फार्मिंग से पूरा होने लग गया। तो इससे इससे ये हो रहा है कि जो फॉरेस्ट पे जो स्ट्रेस था वो काफ़ी कम हो गया। अब जो एग्रीकल्चर के जो पेड़ हैं जो ग्रोन हैं, जैसे कि यूकलिप्टस पॉपुलर मिलिया दुबिया, ये एज एग्रीकल्चर क्रॉप उगाते उगते हैं और पेपर इंडस्ट्री को बाय बैक करता है, उनको खरीदता है और उनसे इनको इनकम होता है, उनके फूड प्रोडक्ट्स बनते हैं। अब पेड़ उग रहा है किसी भी एग्रीकल्चर क्रॉप की तरह, अगर आप किसी को उगा रहे तो काटना तो पड़ेगा, काटोगे तभी और उगेगा, तभी बिकेगा। अगर आप पेड़ उगाए जा रहे हो और उसको आप काट नहीं रहे हो तो पैसा कहाँ से आएगा, उसको फंड कौन करेगा? कोई बंदा अपनी जमीन पे पेड़ लगाने क्यों देगा? आज के ज़माने में आपकी ज़मीन पे आप पेड़ लगाने क्यों दोगे जब उस पर रेंट मिल सकता है? ठीक है, ज़मीन की वैल्यू है, आप उस पर आप रेंटल इनकम देखोगे भाई, एक एकड़ में आपका अगर 20,000 रुपये आपको सालाना मिल रहा है, 40,000 रुपये आपको सालाना मिल रहा है, ठीक है, तो आप फालतू के पेड़ लगा के क्यों लगाऊंगे? सिंपल सी बात कि मैं अपनी ज़मीन का एक हिस्सा जो पेड़ ऑक्यूपाइड हुआ है वो बर्बाद क्यों करूँ, वहाँ पे मैं दूसरी फसल उगाऊंगा। तो आपको अगर पेड़ लगाना है किसान में, किसान के थ्रू या किसी भी बंदे के, तो आपको उस जगह की कीमत चुकानी पड़ेगी, यानी आप उसका वैल्यू उसको देना पड़ेगा तभी पेड़ लगेगा। सोशल सर्विस करके आप पेड़ लगा सकते हैं, एक लगेगा, दो लगेगा, जितना भी लगेगा, वो सस्टेनेबल होगा नहीं होगा ये पता नहीं, और अब तक कितने पेड़ इमोशनल अपील से लगे हैं। और ये एग्रोफॉरेस्ट्री मॉडल जो यमुनानगर में डेवलप हुआ है इसमें कितनी लोगों ने इमोशनल अपील मारी है और कितना सस्टेनेबल है ये, कि ये तब से 1970 के आसपास से पेड़ लगे जा रहे हैं। पेड़ लगे जा रहे हैं, कोई कहने वाला नहीं है कि आप पेड़ लगाओ, कोई इन्वायरमेंट का कोई इन्वायरमेंटलिस्ट नहीं आया वहाँ पे कि भैया आप पेड़ लगाओ आपको फ़ायदा होगा, उसको बताने की ज़रूरत ही नहीं है कि आपको फ़ायदा होगा, वो सब पेड़ लगा ही जा रहा है। आप ना हो गए, आप पेड़ मत लगाओ तब भी लगाएंगे, इकोनॉमिक्स जुड़ गई है। पेड़ काट के ग्लोबल वार्मिंग को कैसे कम किया जा सकता है, अब वो बताते हैं। ग्लोबल वार्मिंग का कारण होता है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, जो भी कोयला जमीन के अंदर था उसमें कार्बन होता है, वो जब जलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बन के एटमॉस्फेयर पे जाता है और उस कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है। अब ग्लोबल वार्मिंग कम करने का तरीका यह है कि जितनी भी गैसेस जो ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रीब्यूट करते हैं, जैसे कि मेजर कंपोनेंट आपका कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, उसको एनवायरमेंट से हटाना है। जो ट्री फार्मिंग है ये एक नेचुरल प्रोसेस है, नेचर का दिया हुआ तरीका है जिससे आप कार्बन डाइऑक्साइड को कम कर सकते हैं। आप एक पेड़ उगा रहे हो, पेड़ उगाने से क्या होता है, पेड़ बाहर का एटमॉस्फेयर का CO2 लेके बड़ा होता है, बायोमास बनता है, मोटा होता है, जिसमें CO2 एब्जॉर्ब करके अपने आप को बड़ा करता रहता है। तो अब ये स्टोरेज करने लग गया CO2 का। अब ठीक है, यहाँ तक तो एनवायरमेंटलिस्ट भी एग्री करते हैं कि भैया ठीक है, पेड़ बड़ा हो रहा है, CO2 एनवायरमेंट के लिए बढ़िया है, CO2 से स्टोर कर लिया। अब जब काटने की बारी आएगी पेड़ कटेगा, अब यहाँ पे एनवायरमेंटलिस्ट आ जाएंगे, वो कहेंगे कि यार पेड़ मत काटो भैया, तो अगर ये बोलोगे तो दूसरा पेड़ ही नहीं लगाएगा, ठीक है, जगह का रेंट कौन देगा, जगह स्पेस ले रहा है उसका रेंट कौन देगा, क्या आप अपने घर में पेड़ लगाएंगे या बाहर लगाएंगे, कहाँ लगाएंगे? सरकारी ज़मीनों पे आप लगा सकते हो, आप क्या अपने पर्सनल प्रॉपर्टी में आप बहुत सारे पेड़ लगाएंगे? कितनी सोशल सर्विस आप करेंगे जहाँ पे आपको रेंट मिल सकता है, बिल्डिंग ना बना के आप पेड़ लगा रहे हैं, ठीक है, ये क्या प्रैक्टिकल है तरीका, ये वो नहीं है। अब इस प्रोडक्ट को बोलते हैं यूज़फुल वुड प्रोडक्ट। यूज़फुल इसलिए कि आपने जो भी प्रोडक्ट बना रहे हो एक यूज़फुल बनेगा, यानी कि आप उसको या तो पेपर बना दिया, फर्नीचर बना दिया, या ऐसा कुछ प्रोडक्ट बना दें जो अपने डेली यूज़ में कर रहे हो।
जैसे बेड बन गया या ऐसे कुछ भी प्रोडक्ट हैं, किचन कैबिनेट्स बन गए। तो अब इन जो प्रोडक्ट्स हैं, अब ये जो भी प्रोडक्ट्स हैं, ये आपके यूजफुल प्रोडक्ट बन जाते हैं और ये आपके घर पे रहते हैं। अब पूरे कॉन्सेप्ट में आप देखिए कि पूरा का पूरा हुआ क्या, पेड़ उगाया, कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जर्व हुआ पेड़ों में, उसका बायोमास पड़ा, उसका आपने प्रोडक्ट बना के घर पर रख लिया। अब जो घर में रखा हुआ है वो है कार्बन स्टोर, उसमें कार्बन स्टोर हुआ है। कोई कार्बन स्टोरेज की तरह यूज कर रहे हैं, तो जितना ज़्यादा वुड के प्रोडक्ट्स यूज करोगे, जितने भी ज़्यादा प्रोडक्ट्स यूज करोगे अपने घर पे रखोगे, उतना आप इन्वायरमेंट को सेव कर रहे हो, प्रोवाइडेड कि वो जो प्रोडक्ट आ रहा है, वुड प्रोडक्ट आ रहा है, वो एग्रीकल्चर क्रॉप होनी चाहिए, यानी एग्रीकल्चर ट्री फार्मिंग से किसान ने उगाया हुआ पेड़ होना चाहिए, फॉरेस्ट वाला नहीं होना चाहिए। बहुत सारी कंपनीज ऐसी भी है जिसका नाम मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, जो कि इस हार्वेस्टेड वुड प्रोडक्ट्स पे जो भी प्रोडक्ट बन रहा है, जिसका आपका कंस्ट्रक्शन में यूज़ हो रहा है, डिफरेंट फील्ड में यूज़ हो रहा है, उस असेट को, उस यानी जो भी प्रोडक्ट है, या हमने बिल्डिंग बना दी, वुड की बिल्डिंग ही बना दी, ठीक है, या फिर मेजर कॉम्पोनेंट वुड का आ गया उसमें, तो उसको मोनेटाइजेशन करते हैं। मोनेटाइजेशन क्या, अगर आप ये मानो कि अगर आप अपनी कोई भी बिल्डिंग सीमेंट की बना रहे हो, उसमें सीमेंट यूज़ हो रहा है, सीमेंट भी बनाने में बहुत ज़्यादा फॉसिल फ्यूल यूज़ हो रहा है बैक एंड पे, कोई बिल्डिंग आप वुड की बना रहे हो तो आपका जो CO2 का कंजप्शन है, ठीक है, जो अमाउंट में आप रिलीज़ कर रहे हो, ठीक है, वो कम हो जाता है। तो CO2 रिलीज तो कम हो ही रहा है और आप कार्बन स्टोरेज अपनी बिल्डिंग को कार्बन स्टोरेज की तरह यूज़ कर रहे हो। अब चूंकि आप कार्बन स्टोरेज की तरह यूज़ कर रहे हो, आपकी बिल्डिंग को मोनेटाइजेशन किया जा सकता है। अब ये कंपनी है, ये यही काम कर रही है, आप अपने जितना ज़्यादा कॉम्पोनेंट्स वुड्स की यूज़ कर रहे हो, सीढ़ियाँ यूज़ कर रहे हो, बाकी और भी प्रोडक्ट्स डिफरेंट जो भी आपको लगाना है, सीढ़ियाँ होगी, कैबिनेट्स हो गए, जो भी अदर प्रोडक्ट्स हो गए, आप जितना मैक्सिमम वुड यूज़ कर रहे हो उसके बेसिस पे आपने कितना CO2 एनवायरमेंट रिलीज होने से बचा लिया, दूसरा कितना आपने स्टोरेज करके इन अ फॉर्म ऑफ वुड प्रोडक्ट के फॉर्म में आपने इसको स्टोरेज करके रखा, उसको आप मोनेटाइजेशन करने में हेल्प करते हैं।